Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. लो सबको लगाना चाहिए अराउंड 1630 1640 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सतगुरु साहब आप आईसीआईसीआई प्रू का चार्ट रेडी रखिएगा, आज रिजल्ट्स पे रिएक्ट करना है। यतिन रिजल्ट्स तो ठीक लग रहे हैं, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? रिजल्ट्स ठीक थे और अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो यहाँ भी पॉजिटिव व्यू है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जिसको हम VNB कहते हैं, जो एक बड़ा पैरामीटर होता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, वहां 31% की ग्रोथ आई है आईसीआईसीआई प्रू की और इसीलिए मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट कॉल है। यहाँ टारगेट है 650 रुपए। क्रेडिट स्विस हालांकि इस पे बेरिश है, अंडर परफॉर्मिंग कॉल उनकी है, 500 रुपए का टारगेट है। CLSA ने भी 660 रुपए का टारगेट दिया है। CLSA का मानना यह है कि जो बेस है वो कंपनी का फेवरेबल होते जा रहा है, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस पे जो कंसर्न्स थे कि ग्रोथ नहीं कर रही कंपनी, वो आपको ओमाइक्रॉन वाले क्वार्टर में 30% के ऊपर की ग्रोथ दिखा के कंपनी ने प्रूव कर दिया है कि यहाँ अभी भी काफ़ी ग्रोथ की अनुमान होगा। और यहाँ अगर हम देखें तो 15-20% की CAGR से ब्रोकरेज को लगता है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ग्रो होगी। और इसीलिए अगर हम कहें तो वीकेंड पे जो और ये लॉन्ग वीकेंड पे जो नतीजे आए उसमें आईसीआईसीआई प्रू एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है। स्टैंड आउट कहना चाहिए क्योंकि अदरवाइज तो दिग्गजों ने बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया। सतगुरु साहब आईसीआईसीआई प्रू, आशीष जी देखिए अगर आप लास्ट सेशन का डेटा देखें तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग ही दिखता है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 5% घटा है, और अगर ऑप्शंस का डेटा देखते हैं जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं वो 550 के स्ट्राइक पे खड़े हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे कहीं पे भी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट जो लास्ट सेशन का क्लोज था दैट वाज वेल अबाउट 100 DMA व्हिच इज समवेयर नियर 535 पे पुट राइटर है। द पॉइंट इज इसका रेंज दिखता है 530 से लेके 555 इसका 200 DMA। तो आज के लिए मैं यही कहूंगा जो डिप मिले इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझे, आपका स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 530। पहला रेजिस्टेंस होगा 550 टू 555, लेकिन स्ट्रक्चर देख के लगता है कि एक प्रोबेबली 564 तक जा सकता है। तो 550 555 इसका पहला टारगेट होगा, वो निकलेगा तो 565 का टारगेट बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 530। ओके।